गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, SGM पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम क्लास सेकेंड चैप्टर टू नंबर नोटेशन सब्जेक्ट मैथ। व्हाट इज नंबर नोटेशन? इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न टू राइट द नंबर अप टू हंड्रेड्स इन फिगर्स एज वेल एज इन वर्ड्स। इन द क्लास यू लर्न मोर अबाउट इट। आपने जो प्रीवियस क्लास में फिगर्स पढ़े होंगे, कैसे फिगर्स, नंबर्स के फिगर्स, जैसे हमारे पास 4, 6, 3, ये कोई नंबर था तो इसको वंस कर बोलते थे, ये वन है, ये टेंस, इसको हंड्रेड, ठीक है, वंस टेंस हंड्रेड। अब ये क्या होता है कि हम एक चार्ट के थ्रू देखेंगे, ये सारा इंडियन सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू कैसे निकलते हैं, ठीक है, किस टाइप से हम कॉमा को यूज़ करते हैं इनमें, ठीक है। तो वही चार्ट हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट होगा वंश। वंश में कौन कौन से वो आते हैं यूनिट? वंश, वंश में आता है आपका वंश, जो यूनिट डिजिट होती है आपकी, जो पहली वाली डिजिट होती है लास्ट से। सेकेंड आता है टेंस, ठीक है। थर्ड आता है हंड्रेड, ठीक है। ये वंश में यूज होती हैं, तीन डिजिट हैं, ये वंश में यूज होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है थाउजेंड वाला पार्ट, नेक्स्ट है थाउजेंड, थाउजेंड वाला पार्ट। थाउजेंड वाले पार्ट में क्या क्या होता है? थाउजेंड वाले पार्ट में होता है थाउजेंड और टेन थाउजेंड। पहला तो थाउजेंड होता है, थाउजेंड में थ्री जीरो हो जाती हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट होता है टेन थाउजेंड, इसमें फोर जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो हम ये जो कॉमा है उनको कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। ये जो वंस है, वंस की तीन डिजिट के बाद हम कॉमा का यूज कर सकते हैं, थाउजेंड के टू डिजिट के बाद हम कॉमा का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कोई नंबर ले ली, हमने एक नंबर ले ली, वो नंबर है हमारी 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है, ये नंबर है। देखो यह मैंने बोला वंस की हंड्रेड, हंड्रेड तक हम क्या कर सकते हैं, कॉमा का यूज कर सकते हैं। देखो हंड्रेड तक, वंस टेंस हंड्रेड, हम कॉमा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और थाउजेंड की टू डिजिट लेकर हम कॉमा का, अगर इसके पहले बाद कोई नंबर, इसके पहले कोई नंबर होती तो यहाँ पे हम क्या कह सकते थे, कॉमा का यूज कर सकते, लेकिन इसके पहले कोई नंबर नहीं है तो हम कॉमा का यूज अब नहीं करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, ये हंड्रेड तक, फिर कॉमा का यूज कर लिया, तो हम कॉमा को इस तरीके से लगाएंगे। अब हम देखेंगे नंबर्स नेम्स, नंबर्स नेम्स को देखेंगे, नंबर्स नेम्स को कैसे लिखते हैं। जैसे हमारे पास है कोई नंबर है 3, 4, 5, ठीक है, ये नंबर है। पहले तो हम इनको काउंट करेंगे, वंस टेंस हंड्रेड। तो थ्री किस पे दिख रहा है, हंड्रेड पे दिख रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, 300, क्योंकि 300 पे है, 300, ठीक है। फिर क्या है, वंस टेंस, फोर किस पे, टेंस पे है ना, और फोर फाइव को क्या बोलते हैं जब टेंस पे, तो 45 बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, 45, 345, ये हो गया हमारा नंबर्स नेम्स। अगर कोई और एक्स्ट्रा नंबर्स होती हमारे पास, जैसे 4, 5, 2, 3, 1, ठीक है। अब देखो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड में है, तो ये 4, 5 को साथ में मिलकर बोलेंगे कितना, 4500, तो 45,000, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, 45,000 वंस टेंस हंड्रेड, टू किस पे, हंड्रेड पे, 200, फिर 31,
वन, ठीक है, ये हमारे नंबर्स नेम्स हो गए। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज फर्स्ट देखेंगे आप, एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, आपको वंस, टेंस और हंड्रेड प्लेस और थाउजेंड, टेन थाउजेंड प्लेस तक वैल्यू दी है, वंस की वैल्यू दी है, टेंस की वैल्यू दी है, हंड्रेड की वैल्यू दी है, थाउजेंड और टेन थाउजेंड। तो न्यूमरल्स में क्या करेंगे, सिक्स और नाइन, इसके पहले जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो सिक्स नाइन हो जाएगा। और नंबर नेम्स में क्या करेंगे, 69, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, 707, ठीक है। तो 707, 100 पे क्या है, 7 है, तो 707, क्योंकि अगर ये टेंस में होता कोई नंबर तो फिर कुछ होता, 55 दो साथ में होते नंबर, तो क्या है 707। और न्यूमरल्स में क्या भरेंगे, 707 साथ में, न्यूमरल्स में साथ में भरेंगे और इसमें अलग अलग भरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, राइट द न्यूमरल्स फॉर 305, हम 305 को यहाँ 305 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड होमवर्क है आपका, कंप्लीट दीज सम्स, ठीक है।